अब देखिए बेटे, बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हम पूरा कंसेप्ट समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज है। तो देखिएगा बेटे आप, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देखिए बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूं कि इसका एंट्री होगी कहां पर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका यह है कि सबसे पहली बात कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में आएगा, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपने कहा कि सर क्या कहां पर आएगा, पीएनएल अकाउंट में? आप तो सर सारी एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करते थे। मैंने कहा नहीं बेटे, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ओ सर, ये तो हम पार्टनर को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इंटरेस्ट ऑन लोन आप पीएनएल अकाउंट में क्यों दिखा रहे हैं, बिजनेस का खर्चा मानते हुए? बेटे इसी के पीछे मैंने आप लोगों को सारी बात बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसको नोट के रूप में लिख देते हैं और उसके पीछे फिर आपको मैं कारण बताता हूं। तो चलिए बेटे इस बात को हम नोट के रूप में लिखते हैं। नोट, इट इज टू बी नोटेड दैट, इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड नॉट द आइटम रिलेटेड टू पार्टनर। अब आप इसको आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर नहीं मानते हैं, इसको आप बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए बेटे इस मामले में अपन चर्चा करते हैं, कुछ डायग्राम बनाता हूं, बात समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए बेटे इस डायग्राम से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा बेटे मान के चलिए ये दो पार्टनर हैं, ये पार्टनर ए और ये पार्टनर बी, ठीक है जी, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है। अब था क्या बेटे, इन दोनों की ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है जी, इन दोनों की ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म, और इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, यानी इनके पास पैसे की कमी है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। तो इन दोनों ने आपस में यह डिसाइड किया कि कल हम लोग बैंक के पास जाएंगे और बैंक से जाके लोन लेकर आएंगे। इन्होंने यह डिसाइड किया कि कल हम लोग बैंक जाएंगे और बैंक से जाके लोन लेकर आएंगे। देखिए बेटे हुआ क्या कि ये बैंक का डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट डे बैंक जाएंगे और बैंक से लोन लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट डे हुआ यूं कि ये जो बी पार्टनर है ये बैंक में जा रहा था लोन लेने। तो जैसे ये जा रहा था तो पीछे से ए ने आवाज लगाई, बी कहां चल दिए था आप? तो बी ने बोला भाई कल जो डिसाइड हुआ था उसके लिए मैं लोन लेने जा रहा हूं बैंक से। तो वही ए के दिमाग में एक बात आई कि ए ने सोचा, ए ऑब्वियसली बात है फॉर्म फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रही है तो बैंक से लोन लेने जा रहे थे, लेकिन एक घर में कुछ इसका पर्सनल पैसा पड़ा हुआ है। अब पर्सनल पैसे से मतलब है, मान के चलिए इसकी
इसके ब्रदर के पास या इसकी वाइफ के पास, किसी के पास भी पैसा अच्छा पड़ा हुआ है। इसने सोचा कि मैं ही पैसा क्यों लगाऊं, लेकिन इसके दिमाग में एक और बात आ रही है कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ से लोन ले लूं, जो लोन हम बैंक से लेंगे क्यों ना मैं अपनी वाइफ से लोन ले लूं और अपनी फर्म को दे दूं, और जो इंटरेस्ट हमारी फर्म मिलकर बैंक को देगी वो इंटरेस्ट अगर मैं वाइफ को दे दूंगा तो वो इंटरेस्ट का पैसा मेरे पास ही आ जाएगा। लेकिन ये बीइंग अ कैपिटल पैसा नहीं लगाना चाहता, बीइंग अ कैपिटल ये पैसा नहीं लगाना चाहता। ये क्या कहना चाहता है कि अगर मैं बीइंग अ लोन अगर पैसा यहां दे दूंगा तो उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा वाइफ को, और वाइफ को मिल जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, बात बराबर है। तो इसने पीछे से बी को आवाज लगाई, बी सुनो, जो पैसा तुम बैंक से लोन लेने जा रहे हो तुम एक काम करो मुझे ही बैंक समझ लो। इसने क्या बोला ए ने कि तुम एक काम करो कि मुझे ही बैंक समझ लो, ट्रीटेड मी एज अ बैंक, आप मुझे बैंक समझ लें और जो पैसा बैंक, जो इंटरेस्ट का पैसा बैंक को दोगे वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से लेकर लोन दे देता हूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसने, ऐसी स्थिति के अंदर ए ने लोन प्रोवाइडेड बाय ए, अब ए ने जो लोन प्रोवाइड किया है वो क्या बन के दिया है, ए ने ये बात बोली थी भाई जो बैंक समझोगे, जिस बैंक को, बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो तो आप मुझे ही बैंक समझ लो, ट्रीटेड मी एज अ बैंक, यानी ट्रीटेड मी एज अ थर्ड पर्सन, और मैं आपको लोन प्रोवाइड करता हूं, जो इंटरेस्ट आप बैंक को दोगे वो मुझे दे देना। तो इन दोनों के अंदर आपस में डिसाइड हुआ, बी को बोलता है ठीक है जी मुझे क्या दिक्कत है, मैं बैंक जाऊंगा इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंगा, अगर आप ही लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो कर दो, हमारी फर्म जो इंटरेस्ट जाके बैंक को देगी हम वो आपको दे देंगे। तो देखिए बेटे, अब यहां पर ए ने जो लोन प्रोवाइड किया है उसके ऊपर जो हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या वो हम उसको पार्टनर मानते हुए दे रहे हैं, आंसर है नहीं। हम ए को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो पार्टनर मानते हुए नहीं दे रहे, हम ए को इंटरेस्ट दे रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन मानते हुए, एज अ बैंक मानते हुए। तो जब हम ए को इंटरेस्ट एज अ बैंक मानते हुए दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो केवल वही चीजें आती हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, जो बीइंग अ पार्टनर को एज अ पार्टनर मानते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, एज अ पार्टनर मानते हुए सैलरी दी, एज अ पार्टनर मानते हुए कमीशन दिया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम उसे दे रहे हैं तो हम उसको एज अ पार्टनर मानते हुए नहीं दे रहे, हम उसको क्या मानते हुए दे रहे हैं, एज अ थर्ड पर्सन, एज अ बैंक मानते हुए दे रहे हैं। यही कारण है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इंटरेस्ट ऑन लोन हमने उसको एज अ पार्टनर मानते हुए नहीं दिया, एज अ थर्ड पर्सन मानते हुए दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एंटर नहीं होता। आगे जाके मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एंटर नहीं होता। तो इस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं। नोट, एज एक्सप्लेन्ड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एंटर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन विल नॉट बी एंटर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी एंटर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल्सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि हम लोगों को पता रहे कि क्या क्या चीज क्या क्या काम करना है अपन को इसके अंदर। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो उम्मीद है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल अकाउंट में क्यों दिखाते हैं,
पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं दिखाते और हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि हम उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करके इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रहे, एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट करके दे रहे हैं। और जो पैसा आप एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट करके दोगे तो वो पार्टनर को नहीं दिया जा रहा, तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और अगर बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो वो यहां पर नहीं आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिजनेस एक्सपेंडिचर तो सारे पीएनएल अकाउंट में आते हैं। तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।